Hey guys, welcome back to my YouTube channel Why on It Lifestyle। दोस्तों हम यहाँ फेस टिमिंग की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एक छोटे बर्तन में गर्म पानी लेना होगा। अगर आपके पास स्टीमर है तब भी कोई बात नहीं है। स्टीम लेने से पहले आप इसे गर्म पानी में गुलाब जल या पुदीना या पुदीने की पत्तियाँ डाल लें और नींबू का रस जैसी चीजें भी डाल सकते हैं। चलिए जानते हैं स्टीम लेने के फायदों के बारे में। नंबर एक, त्वचा के लिए स्टीमिंग के कमाल। दोस्तों आपको बता दें कि हर तरह की त्वचा के लिए स्टीमिंग किसी जादू की तरह काम करती है, क्योंकि ये त्वचा की मृत कोशिकाएं हटा देती है और त्वचा को अंदरूनी परत तक हीटिंग देकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही त्वचा के पोर्स को एकदम क्लीन कर देती है। जी हाँ, मात्र चंद मिनट की स्टीमिंग आपकी त्वचा के लिए इतने काम फटाफट कर देती है और आपके चेहरे पर घर बैठे ही पार्लर जैसा ग्लो ला देती है। नंबर दो, डीप क्लीनिंग कर ब्लैकहेड्स हटाए। दोस्तों ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स होने की समस्या बहुत आम है, लेकिन इन्हें क्लीन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो कम से कम हर महीने आपको हर बार समय निकाल कर क्लीन अप कराने जाना ही पड़ता है, जबकि स्टीमिंग आपका ये काम बहुत ही आसान कर देती है। आप 2 से 3 मिनट की स्टीमिंग के बाद अपने चेहरे के ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स को आसानी से हटा सकती हैं, क्योंकि भाप के कारण आपकी त्वचा के रोम छिद्र यानी की पोर्स बड़े हो जाते हैं और हल्के से प्रेशर से ब्लैकहेड्स बाहर आ जाते हैं। नंबर तीन, त्वचा पर इस तरह काम करती है भाप। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि हर दिन हमारे शरीर की करीब 30 से 40 हजार स्किन सेल्स डेड हो जाती है। ये स्किन सेल्स आपकी त्वचा पर चिपक जाती है, इससे आपकी त्वचा के रोम छिद्र यानी कि पोर्स बंद हो जाते हैं। अगर ये लंबे समय तक बंद रह जाते हैं तो इसमें जीवाणु पैदा होने लगते हैं, यानी कि कीटाणु पैदा होने लगते हैं, जो पिंपल की वजह बन जाते हैं। इन पोर्स में सीरम भी भर जाता है। सीरम आपकी त्वचा द्वारा प्रोड्यूस किया गया ऑयल होता है, जो त्वचा में चिकनाई बनाने का काम करता है, लेकिन जब ये अधिक हो जाता है तो त्वचा पर कई तरह की दिक्कतों की वजह बन जाता है। नंबर चार, जवान रखती है स्टीमिंग। दोस्तों भाप लेने से त्वचा में प्राकृतिक कसावट बनी रहती है। इसमें फाइलाइंस, रिंकल जैसी दिक्कतें चेहरे पर नहीं होती हैं। आमतौर पर इन सभी समस्याओं की वजह से त्वचा का ढीलापन होता है, जबकि भाप आपकी त्वचा को ढीला पड़ने नहीं देती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर त्वचा ढीली क्यों पड़ती है, तो आपको बता दें कि त्वचा की ढीली पड़ने की समस्या आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद होती है, क्योंकि इस उम्र के बाद त्वचा में नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। नंबर पाँच, भाप से क्यों आता है ग्लो। दोस्तों भाप आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करने के बाद उसमें रक्त के प्रभाव को बढ़ावा देती है। रोम छिद्र की सफाई के कारण त्वचा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि हमारी स्किन भी सांस लेने लगती है, जिससे वह खुलकर सांस भी ले पाती है और आपकी स्किन की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। भाप लेने के बाद आप अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोएं और फिर तौलिए से पोंछ लें। इसके बाद त्वचा पर टोनर का उपयोग जरूर करें, ताकि हमारे रोम छिद्र यानी कि पोर्स बंद हो सके और उसमें डस्ट ना जा सके। टोनर के रूप में आप गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकती हैं। इसके बाद आप अपनी त्वचा पर सीरम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।